फरुखाबाद क्षेत्र में गंगा और रामगंगा ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गंगा और रामगंगा में पानी बढ़ने से तिराई क्षेत्र के इलाकों के 3 दर्जन से अधिक गांव में सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से यहां के लोगों का संपर्क भी टूट गया। तहसील सदर के गंगा किनारे के निचले गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग ऊंचे स्थानों की ओर लगातार जा रहे हैं। तमाम लोग अभी गांव नहीं छोड़ पाए। ऐसे में उनके सामने खाने पीने की समस्या भी खड़ी हो गई है, जिसके चलते बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर शांत कर रहे हैं। ग्रामीण छत पर पॉलिथीन तानकर परिवार सहित गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। छतों पर चूल्हा रखकर महिलाएं खाना बना रही है। ये कौन सा गांव है? उदयपुर। इसमें बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ खूब है। कितना पानी भरा हुआ है? पानी कर यहाँ आए। आप कैसे रह रही हैं? अब 3 दिन का खाना नहीं बना। खाना नहीं बन पाया, क्यों? पानी भरो। गई था ना आए यार? ना गई था, 3 दिन बाद ना आए। फिर आप कैसे क्या जो है? ऐसे खाना खा रहे हैं। जब खाना आप बना नहीं पा रही हैं, कितने दिन हो गए नहीं खाना बना? 3 दिन। 3 दिन से भूखी हैं आप? भूख है लेकिन ना ही रोटी ना ही कहीं खाई है। एनते मिली मिलाई हुआ तानते, मतलब आप नहीं बना के खा पा रही हैं? यहाँ चूल्हा उल्ला सब उड़ी गए। गांव वाले मतलब जो मदद दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? कछु ना आई। कोई नहीं आया? कछु ना आई। ना हमें कभी पालू नहीं मिली, ना हमें कभी एक ईंट मिली, ना कभी कोई चीज ना हमें सरकार की नाजी मिली। बाढ़ के विषय में जानकारी देते हुए ग्रामीण ने बताया कि बाढ़ की वजह से गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिल रही। गांव में क्या समस्याएं आ रही हैं? गांव में समस्याएं यही है, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। बाढ़ का पानी आ गया, अभी रात में और बढ़ रही, बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, तो पानी पानी हो जाएगा। चारों तरफ निकलने में बहुत दिक्कत है। कोई वैकल्पिक रास्ता है भी नहीं, जो बनाते हैं वो बनने नहीं दे रहे लोग। बाढ़ प्रशासन कई बार कर चुके, 15 फुट की जरूरत है, 15 फीट यहाँ से वहाँ तक खाली है, उसमें ये बन जाता है, इससे उधर वाले निकल जाए पुरवा। तो ये पुरवा करीब आबादी 200-300 है, 300-400 आबादी पूरी जो है इस तरीके से फंसी रहेगी महीनों। इसका कोई वो नहीं रास्ता है चलने। कोई अधिकारी आया यहाँ पर? अधिकारी तो अभी हमारे अंदाज नहीं आया, लेकिन पता लगा था परसों हम नहीं थे, तो SDM साहब आए थे इधर से, कुछ अपना निर्देश दे गए होंगे। आपको बता दें कि गंगा का जल स्तर 136.95 से बढ़कर 137.00 मीटर पर पहुंच गया है। नरौरा बांध से गंगा में 139,398 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में पानी भर गया। उगरपुर, नरसिंहपुर कायस, मंगलीपुर रूपपुर, गुलरिया पहाड़पुर, शिकारपुर, गया दीन की मड़ैया, ठटा की मड़ैया, माता दीन की मड़ैया जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। पंजाब केसरी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।